गांव पावटी के सरकारी स्कूल में बालिका दिवस पर जिला बाल निषेध अधिकारी ने लोगों को किया जागरूक। यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची जिला बाल निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि बाल विवाह बच्चों के लिए ठीक नहीं है। वहीं उन्होंने बताया कि लगातार यह अभियान भी चला रही है और लोगों को जागरूक भी कर रही है कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि लड़की की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि वो लगातार सूचना मिलने पर बाल विवाह रुकवाती भी हैं और लोगों को जागरूक भी करती हैं। वहीं उन्हें बताया कुछ ही मुहिम के चलते वो आज गांव पावटी के सरकारी स्कूल में आई हैं और यहां पर उन्होंने बाल विवाह के क्या गलत परिणाम निकलते हैं उनके बारे में बच्चों और अध्यापकों के बारे में उन्हें जागरूक किया। वहीं बाल निषेध अधिकारी ने बताया कि अगर उनके आसपास के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति लड़का या लड़की का बाल विवाह कर रहा है तो उनको सूचित भी कर सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि वो लगातार अभियान चलाकर लोगों को इस बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि लोग इस बारे में जागरूक भी हो रहे हैं और वो लड़कियों का सम्मान भी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि लड़कियाँ आज किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं। वहीं उन्होंने बताया कि लड़कियों के बाल विवाह होने में परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। सुनिए बाल विवाह के बारे में क्या बताया बाल निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने, वह भी आपको सुनाते हैं। बच्चों को आज के लिए यहाँ पे पाबली गाँव के विद्यालय की बालिकाएं उपस्थित थी, तो मेरे द्वारा उनको ये बताया गया है कि बाल विवाह को रोकने में मेरा सहयोग करें। और बच्चियों को अच्छी बात ये लगी कि बच्चियां बहुत सी बाल विवाह के बारे में जानती थी, उम्र के बारे में जानती थी, फ़ोन नंबर्स के बारे में जानती थी कि अगर बाल विवाह हो रहा है तो किन नंबर्स पर जानकारी दी जा सकती है। बस थोड़ा सा कानून को और विस्तार से आज बताया गया है कि अगर बाल विवाह हो जाता है तो उसके बाद भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और बाल विवाह होने के बाद भी लड़की कानून की मदद ले सकती है। ऐसा नहीं है कि बाल विवाह को रोकना ही है, रोकना तो हमारा सबसे सर्वप्रथम उद्देश्य है ही है कि रोकना है। और यदि किसी कारण से हम नहीं रोक पा रहे हैं या हमें देरी से सूचना मिलती है तो बाल विवाह हो जाने के बाद किस तरह से कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा सकती है उसके बारे में आज विस्तार से जानकारी दी गई। और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी सामने देखने में आई गई है, बच्चियों को बताया गया है कि बाल विवाह जो है वो घरेलू हिंसा को बढ़ावा देता है, तो यदि हम बाल विवाह को रोकेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो घरेलू हिंसा की घटनाएँ हो रही हैं उनको भी रोक पाएंगे। समालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट।